बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से देश में पहली बार एक साथ 1,50,000 टीचर बहाली परीक्षा आयोजित करवाई गई। बिहार में डोमिसाइल नीति खत्म होने के बाद पहली दफा राज्य के देश के अलग अलग हिस्सों से शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा देने बिहार आए। 3 दिनों तक चली इस परीक्षा में लगभग 8,00,000 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसके बाद अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक अगर शिक्षक अभ्यर्थी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के विषय में सिर्फ इस एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। इसके अलावा गणित और विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए भी कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा कम है, जबकि सबसे अधिक कॉम्पिटिशन सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए होने वाला है। आपको बता दें कि दरअसल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में माध्यमिक स्कूल के शिक्षक के लिए जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है उसके मुताबिक अगर सामाजिक विषय की बात करें तो इसमें सबसे अधिक प्रत्यक्ष श्रद्धा है। सामाजिक विज्ञान विषय में पदों की संख्या 5,425 है, जबकि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 26,000 से ज्यादा है। इसी तरह गणित में पदों की संख्या 5,425 है और आवेदकों की संख्या 7,000 से थोड़ी अधिक है, इसीलिए इसमें अधिकांश कंपटीशन होने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। विज्ञान की बात करें तो इसमें भी 5,425 पद हैं और आवेदकों की संख्या 6,000 से आसपास बताई जा रही है। ऐसे में इस विषय के भी अभ्यर्थियों के लिए कंपटीशन काफी कम नजर आ रहा है। अगर हम बात करें कि सबसे कम कॉम्पिटिशन की तो हिंदी में पदों की संख्या 5,486 है, अंग्रेजी में 5,425, संस्कृत में 2,829। इन विषय के लिए जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं उनकी संख्या पदों की संख्या से भी कम है। ऐसे में इन विषय में सिर्फ क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट की नौकरी पक्की मानी जा रही है। सबसे अधिक अगर किसी विषय की अभ्यर्थी की नौकरी पक्की मानी जा रही है तो वह उर्दू है। यहाँ पदों की संख्या 2,300 है और अभ्यर्थियों की संख्या महज 1,000 है। तो वहीं उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर साइंस में पदों की संख्या 8,395 है, जबकि परीक्षा में 17,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। इसी तरह से गणित में 2,663 पद है, परीक्षा में लगभग 2,700 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। शेष अन्य विषय जैसे जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी, मैथिली और भौतिकी में पद कम से कम अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इनमें अभ्यर्थी तय अर्हता लायक अंक प्राप्त कर लेंगे तो नौकरी पक्की हो जाएगी। आपको बताते चले कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के कई विषय में सीट के बराबर शिक्षक नहीं मिलेंगे। कुछ विषय में अभ्यर्थियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जितने पद सृजित किए गए हैं उस हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या कई विषय से कम है। ऐसी स्थिति में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों में नियुक्ति के बाद भी पद रिक्त रह जाएंगे। बता दें कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कुछ विषय को छोड़कर कई विषयों में अभ्यर्थी अगर सिर्फ तय अर्हता अंक प्राप्त कर लेंगे तो वो सफल हो जाएंगे। हालांकि बचे हुए पदों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करानी होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।